मैंने ले लिया है एक बोतल, तो ये है WAP-4 साइड लोअर। तो आप ये देख सकते हैं हमारी टेंट ऊपर जी। बोल सच्चे दरबार की जय। When I look into her eyes, I see paradise. मैंने एक स्प्राइट भी ले ली है और इसी स्प्राइट के साथ अपनी जर्नी को शुरुआत करेंगे। कालका रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी लगी हुई है और आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो बहुत ही खास जर्नी है, क्योंकि आज हमारी जर्नी हो रही है कालका टू माता श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो आप ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन पीछे लगी हुई है, जिसका कि समय है शाम के 7 बजे खुलती है और नेक्स्ट मॉर्निंग 5:20 में यह हमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा ये पहुंचा देती है। स्टेशन की बात करें तो काफ़ी खाली स्टेशन है, यहाँ से बहुत ही कम पैसेंजर्स जो है वो बोट करेंगे। हो सकता है आगे से और भी पैसेंजर्स बोट करें, क्योंकि ये स्पेशल ट्रेन है। अभी 18:17 हो रहे हैं और ये रही हमारी ट्रेन। फोकस नहीं आ रहा। और आज आपके भाई का सीट है S-231 नंबर का सीट है। तो चलिए इस जर्नी में बने रहिएगा और मैं आपको आज बहुत ही स्पेशल जर्नी कराने वाला हूँ। मैंने ले लिया है एक बोतल पानी, ठीक है। और क्या लूँ और कुछ लेना है? बिस्किट कौन सा है आपके पास? ट्रेन हमें चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, पठानकोट, उधमपुर, जम्मू तवी के रास्ते श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंचाएगी 5:20 सुबह। तो ये है आपके भाई का कोच। देखते हैं आप स्टेशन, पूरा खाली स्टेशन है। देखिए अगर इस स्टेशन की बात करूं कालका, तो ये बेसिकली हरियाणा में पड़ता है और इसका स्टेशन कोड है KLK। यहाँ पे एक भी ट्रेनों का हॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये जस्ट लाइक टर्मिनल टाइप है। लेकिन यहाँ से एक जो मीटर गेज की ट्रेन जो है, जिसकी जर्नी मैंने आपको कराई थी, वो चलती है शिमला के लिए। तो इस पे 7 प्लेटफॉर्म्स का ये स्टेशन है और 27 ट्रेनों का यहाँ से ऑरिजिनेशन और 28 ट्रेनें यहाँ पे आके टर्मिनेट कर दी जाती है। तो चलिए इसका जो है लोकोमोटिव मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा लोकोमोटिव हमें लेके जाने वाली है। तो आज जो हमें लोकोमोटिव लेके जाने वाली है, ये देख सकते हैं WAP-4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ हमारी ट्रेन आज चलने वाली है। तो चलिए आपको सीधा मिलता हूँ ट्रेन डिपार्चर के समय में, ठीक है। तो इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जय माता दी के नाम से। तो जयकारा लगाइए, जय माता दी साचे दरबार की। तो आज आपके भाई का सीट है साइड लोअर। ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, बस 1-2 फैमिलीज हैं। हो सकता है आगे बोर्ड करें, तो चलिए इस जर्नी पे बने रहिएगा। तो फाइनली ट्रेन हमारी खुल चुकी है एकदम ऑन टाइम 7 बजे। प्लेटफॉर्म पूरा अंधेरा किया हुआ था उधर। ये 7 बज रहे हैं और लाल लाल अभी सूरज की रोशनी हल्की हल्की दिख रही है। Yeah.
ट्रेन अभी चंडीगढ़, पंजाब के चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में पहुंची है। इसका कि स्टेशन कोड है CDG और यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 74 ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती थी, लेकिन अभी सिर्फ 47 ट्रेनें, कोविड स्पेशल ट्रेनें यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। 34 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और 34 ट्रेनें टर्मिनेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि कुछ भीड़ भाड़ माता के भक्तों का यहाँ पे बढ़ने वाला है। गरम है या नहीं है? ऐसे ही है, जो कुछ ज्यादा ठंडे भी नहीं है। आया है छोले भटूरे को। तो रात के 10:40 हुए हैं और अभी हमारी ट्रेन पहुंची है लुधियाना जंक्शन पे। रात को कुछ खाया नहीं था तो अभी यहाँ पे लिया हूँ छोले कुलचे, तो वो खा लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जर्नी। भाई खाना तो खा लिया। इस स्टेशन कोड की अगर बात करूँ तो LDH इसका स्टेशन कोड है। 7 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। कोविड से पहले 390 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट हुआ करता था, अभी सिर्फ 182 कोविड स्पेशल ट्रेनें चल रही है। 25 ट्रेनों का यहाँ से ऑरिजिनेशन होता है और 25 ट्रेनें टर्मिनेट हो जाती है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आपको नाइट व्यू जो है वो दिखा पाऊँगा, तो आई थिंक मैं सो जाऊँगा और फिर अगले मॉर्निंग आपसे मिलूँगा। फाइनली हमारी ट्रेन जम्मू में आके रुकी हुई है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है माता के दर्शन के लिए। आप लोग का क्या एक्साइटमेंट है कमेंट में बताना, और जय माता दी ज़रूर लिखना। फेस पूरा, फेस को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि अभी जस्ट सो के ही उठा हूँ जैसे गाड़ी यहाँ पे लगी है। फाइनली हमारी ट्रेन जो है श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच चुकी है। 5:20 अभी हो रहे हैं। ट्रेन टाइमली पहुंची है, स्टेशन पूरा खाली है। तो ये डबल डोर सिंगल, उधर इधर डबल, तो ये डबल डोज वाली लाइन है, सिंगल डोज वालों को उधर भेजा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हमारी डबल डोज वैक्सीन वाली लाइन है, डबल डोज वैक्सीन वाली लाइन है, तो वो जल्दी जा रही है आगे। जयकारा शेरावाली दा।
बोल साचे दरबार की जय। यहाँ से भवन का नजारा दिखना शुरू। तो ये सिंगल डोज वालों की लाइन है, ये डबल डोज वालों की। जय माता दी। दोस्त था इसीलिए मुझे नहीं रोका, आगे जाने दिया, बहुत ही जल्दी निकल गया। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं बाहर निकल गया हूँ। डबल वैक्सीनेटेड होने के कारण मुझे ज़्यादा देर भी नहीं लगा, 2 मिनट लगा मुझे बाहर निकलने में। बाकी पीछे बहुत सारी लाइन थी, मैं आ चुकी आगे था इसीलिए निकल चुका है। और ये देखिए मेरे पीछे माता का भवन दिखना शुरू हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये प्लान जो था मेरा बहुत पहले से, मतलब कि आने का मन हो रहा था। 29 तारीख को ही मैंने रिजर्वेशन कराया था, तो उस समय शायद माता रानी नहीं चाह रही थी कि मैं आऊँ। तो वो रिजर्वेशन जो है वो वेटिंग लिस्ट थी, 4 नंबर 1 नंबर तक आई, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई। फाइनली आज जाके कंफर्म हुआ था, और मतलब फिर दूसरी ट्रेन में मैंने जर्नी बनाई, और ये फिर आज मैं माता रानी के दरबार में जा रहा हूँ। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन अगर करना चाहते हैं हमारे इस डिजिटल माध्यम से, तो फिर इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको माता रानी के फुल दर्शन कराने वाला हूँ। अभी मैं होटल जाऊँगा, होटल लेने के बाद वहाँ नहा के फ्रेश वगैरह हो लूँगा, उसके बाद मैं चढ़ाई शुरू करूँगा। उसकी मैं दूसरी वीडियो आपको देने वाला हूँ, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। माता रानी की कृपा से फाइनली आज मुझे मौका मिला है जाने का। तो जय माता दी, कमेंट छोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली जर्नी में माता रानी के भवन वाली। तो तब तक के लिए जय माता दी। अगर मैं बात करूं कोरोना प्रोटोकॉल की, तो अगर आप सिंगल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे टेस्ट हो जाता है। अगर आप लाते हैं तो 48 घंटे के अंदर की लाइए। डबल वैक्सीनेटेड हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी रिपोर्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आईडी ज़रूर साथ में रख लें। कोई भी एक आईडी जो है आप अपने साथ कैरी ज़रूर करें, और आप तुरंत ही बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, आराम से आप अपने घरों से निकल के माता रानी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। जय माता दी। ये देखिए हमारे पीछे नज़ारा।